चलता है, चलायमान होता है। उन्हीं नियम और कानूनों के तहत हम शासित होते हैं। ये सब समान नागरिक संहिता आने से हमारा नष्ट हो जाएगा, बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद इसे लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। राज्यों में सार्वजनिक नीति का मामला है, न कि अदालती मामला। प्रजातंत्र में लोक नीति जनमत में निहित है। जनता जैसे चाहेगी कानून उसी रूप बनते हैं। अर्थात हम इस कानून को नहीं चाहते तो हमारे विपरीत हमारे ऊपर ये कानून नहीं थोप सकता है। भारतीय नागरिक विभिन्न धर्मों, समुदायों, जाति एवं जनजातियों से आते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न समुदाय जैसे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जनजातियां आदि के अपनी व्यक्तिगत कानून हैं और उनके सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा ही शासित होती है। इसे इन्हीं से ही भारत देश के 705 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो भारत में अनुसूचित जनजाति ट्राइबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। कोई तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सूची में शामिल भी नहीं किया गया है। आदिवासी समुदाय अपने विवाह, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने के प्रथागत रूढ़ी विधि से संचालित होते हैं। बहुत आयात में ये लिखित और मौखिक रूप में लोक आचरण में है। यहाँ तक आदिवासी समाज जाति विहीन होने के साथ साथ जन्म से मृत्यु तक की रीति रिवाज हिंदू एवं भारत के अन्य जातियों समुदायों से भिन्न है, अलग है। फलस्वरूप हिंदू कानून भी आदिवासियों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनकी प्रथा प्रथागत कानून अलग है। कस्टमरी लॉ जिन्हें कह सकते जो संविधान के तहत संरक्षित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में दस्तूर रीति रिवाज का कानून का बल दिया गया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा ताकत है जो इस कानून के आने से छीण हो जाएगा, नेस्तनाबूद मिट जाएगा, जिसे हम मिटने नहीं देंगे। यहाँ तक कि अदालतों में भी अपने कई निर्णयों में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और भी अपने प्रथागत कानूनों द्वारा निर्देशित होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से विशिष्ट पहचान प्रभावित होगी, जिससे जनजातियां आबादी पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत देश में सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हम अभी नारा में बता रहे थे कि ये एक साजिश है और हमारा समाज को मिटाने का एक तरकीब है। प्रथागत कानून के संबंध में छोटा नागपुर हमारा पड़ोसी राज्य है, जहाँ काश्तकारी अधिनियम 1908, सीएनटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, एसपीटी एक्ट और देश के प्रत्येक राज्यों में जमीन संबंधी आदिवासियों के लिए अधिनियम बने हैं। विकलेंस रूल 1937, पेशा अधिनियम 1996, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, समता जजमेंट आदि के तहत उल्लेखित विशिष्ट प्रावधानों एवं सुरक्षा समान नागरिक संहिता को के लागू होने से समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी लागू होने से पूरे भारत में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी संबंध में एक समान कानून होंगे। यह विभिन्न अद्वितीय प्रथागत कानूनों को नष्ट कर देगा, आदिवासियों की रीति रिवाजों को कमजोर कर देगी। जिन्हें कानून का बल दिया गया है, यह प्रथागत कानून को एक समान कानूनों में बदल देगा और उनके उल्लंघन को दंडनीय अपराध बना देगा। वंशानुक्रम और उत्तराधिकारी की मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों पद्धतियों का पालन करने वाली जनजातियां प्रभावित होंगी। इससे
दोनों के सामाजिक ढांचे में खलल पड़ जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार दिया जाएगा, इसका अर्थ है कि पैतृक भूमि, भूमिहारी, मुंडारी, खुटकटी, रैयती जो है, पूरे देश में जो जमीन संबंधी कानून बने हैं आदि को समान हिंदू कानून के आधार पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इससे जमीन विखंडन की समस्याएं और भी बढ़ेंगी। आज यही कानून है जिससे हमारा जमीन विखंडन होने से बचा है। यदि ये कानून आ जाएगा तो जमीन के कई टुकड़े कई हिस्से में बढ़ जाएंगे। यह देश की महिलाओं को पुश्तैनी जमीन के मालिक होने और किसी को भी खरीदने बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे विवाह, विरासत आदि के माध्यम से निहित स्वार्थ, भूमि हड़पने और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। आज जब ये कानून हमारे अंबेडकर बाबा साहब ने बना के दिया है, उस कानून में इतनी सशक्त व्यवस्था है, उसके बाद भी हम अपने जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी रूप में हमारे आदिवासी लड़कियों, महिलाओं के साथ विवाह कर करके उनके नाम से जमीन खरीद करके हमारे समाज को का जमीन जो है, जमीन से बेदखल हो रहे हैं, जमीन के कई टुकड़े बट रहे हैं। तो आज हम ऐसे होने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज सारे लोग को पता है कि हमारे देश के अंदर मणिपुर, जहाँ हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसे अनाचार किए हैं जो अक्षम्य हैं, और ऐसे कृत्य करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी वर्ण के हों। ऐसे कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दें। यदि वे इन बातों का समर्थन करते हैं तो, जैसे संस्कृत में बहुत सुनने को मिलेगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता, जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं। अर्थात ये हिंदुओं का आदर्श शब्द होता है। मैं बहुधा इन बातों को सुनता हूं। ये शब्द कहते हैं, उसके बावजूद भी आज ऐसी घटना जब